नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ करवा चौथ स्पेशल बिना प्याज लहसुन की दो सब्जियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। पहली सब्जी है आलू और गोभी की सब्जी और दूसरी है काले चने की सब्जी। तो चलिए देख लेते हैं कि बिना प्याज और लहसुन के मैंने इन दोनों सब्जियों को किस तरीके से बनाया है। आलू और गोभी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। अब गोभी को डाल करके इसमें अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। जब तक हमारा गोभी यहाँ पे फ्राई हो रहा है, हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हम टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे गोभी फ्राई हो चुकी है। गोभी को हम निकाल करके अलग करेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं तेज पत्ता, जीरा, 2 से 3 लाल मिर्च साबुत वाली। फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुका है तो अब हमने जो पेस्ट तैयार किया है उसमें से आधा पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और आधा पेस्ट हम काले चने में डालेंगे। अब बाकी के मसाले ऐड कर लेंगे। हल्दी का पाउडर, होममेड गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। मसालों को फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम उबला हुआ आलू ऐड कर लेंगे। आलू को 1 मिनट तक हम मसालों के साथ फ्राई करेंगे। आलू को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें गोभी ऐड कर लेंगे फ्राई किए हुए। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सेंधा नमक ऐड करेंगे। अब पानी डाल देंगे। मिक्स करेंगे। इसको मैं अब दूसरे साइड में डाल दूंगी कुक होने के लिए, क्योंकि गोभी जो है वो हल्का सा भी कुक होगा। अब हम इसे चेक कर ले रहे हैं और ये देखिए, आलू गोभी की सब्ज़ी हमारी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। गोभी भी यहाँ पे कुक हो चुकी है। तेल डाल देंगे। अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप कोई दूसरा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ सरसों के तेल में हम लोग बनाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। साबुत जीरा, लाल मिर्च, तेज पत्ता, सभी चीज़ें यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। अब तैयार किया हुआ पेस्ट ऐड कर लेंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, होममेड गरम मसाला पाउडर, सभी मसाले को यहाँ पे फ्राई करेंगे। मसाले यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। चने को उबाल करके मैंने रखा हुआ है, इसको इसमें ऐड कर लेंगे। 1 मिनट फ्राई करेंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। सेंधा नमक यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ढक के 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको कुक होने देंगे। और अब मैं आप लोगों को चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे जो काले चने हैं वो पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी दोनों सब्जियाँ यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो अगर रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ मेरे चैनल दिलचस्प रसोई पर।